तो दोस्तों आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो बिल्कुल सही थंबनेल देख के क्लिक किया है। दोस्तों वन प्लस की जो खटिया वो खड़ी हो गई है, वन प्लस के जो फ़ोन है हमारे इंडिया में बैन होने के कगार पे आ गया है। इस बार जो वन प्लस का पंगा है वो बहुत ही गलत आदमी के साथ हो गया है। दोस्तों आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से पता है दिल्ली के एक वकील हैं जिनका नाम है गौरव गुलाटी, और दोस्तों इनके बारे में कौन नहीं जानता। यह दो मिनट में बड़े से बड़े फिल्म हस्तियों को कोर्ट का चक्कर कटवा देते हैं और बड़े से बड़े यूट्यूबर का नींद भी आराम कर देते हैं। और दोस्तों यह हाल ही में वन प्लस का जो नॉर्ड 2 5G फोन है इसे परचेस किए थे, यानी कि खरीदे थे। और दोस्तों हाल फिलहाल 8 तारीख को इनका जो नॉर्ड 2 5G फोन है वन प्लस का यह ब्लास्ट हो गया। यह दिल्ली 30 हजारी कोर्ट के अपने चैम्बर में बैठे थे और दोस्तों इनका जो फोन है इसे अपने कोर्ट के पॉकेट में रखे थे। और दोस्तों इनका फोन जब गर्म थोड़ा सा लगा तो इन्हें लगा कि नॉर्मल सी बात है कि फोन है तो गर्म हो गया होगा। उसके बाद ज्यादा गर्म लगा, उसके बाद यह फोन को देखे तब तक फोन ब्लास्ट हो गया। उसके बाद काफी ज्यादा धुआं भी निकला और दोस्तों धुआं निकलने की वजह से इन्हें जो सांस लेने में तकलीफ है वो भी आई, साथ ही साथ इनके आंख से भी धुंधला दिखाई भी दे रहा है, साथ ही साथ इनका जो पेट था वो भी हल्का फुल्का जल गया है। तो दोस्तों इनका फोन इस तरीके से ब्लास्ट हुआ। और दोस्तों आप सभी लोग को अच्छा तरीके से पता है कि दोस्तों जब चैम्बर में हम बैठे रहते हैं तो वहां पर AC चलता है, तो टेम्परेचर की तो बात ही ना करेंगे कि हाई टेम्परेचर होगा जिसके वजह से इनका फोन ब्लास्ट हो गया, तो ऐसा तो कोई बात ही नहीं है। और दोस्तों इनका फोन चार्ज पर भी नहीं लगा था, ऐसा नहीं है कि फोन चार्ज पर लगाए थे और इस्तेमाल कर रहे थे तब जाके इनका फोन ब्लास्ट हुआ, ऐसा भी बात नहीं है। और ये गेमिंग भी नहीं कर रहे थे, यहाँ पर गेम भी नहीं खोल रहे थे, नॉर्मल इनका फोन 90% चार्ज था और उसके बाद ये अपने फोन को अपने पॉकेट में रखे थे। और उसके बाद अचानक से गर्म हुआ और उसके बाद देखते हैं उस समय तक ब्लास्ट हो गया। और दोस्तों हालत फोन का आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसकी जो बैटरी की बात करें वो तो आप देख ही सकते हैं कि कैसा इसका हालत हो चुका है। उसके बाद यह निकाले बाहर और देखे तो सभी लोगों को बुलाए और वहां पर दोस्तों यह फोटो क्लिक करके अपने ट्विटर हैंडल पे यहां पर ट्वीट कर दिए, जो कि अभी आप देख सकते हैं। अगर पूरा आर्टिकल आप पढ़ना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आप जाके सारे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, वहां पर सब कुछ आपको डिटेल्स में बताया गया है। तो दोस्तों यही कहानी था जिसके वजह से इनका फोन ब्लास्ट हुआ है। यहां पर कोई ये कांड भी नहीं किया है कि ऐसा हाई काम करेंगे जिसकी वजह से फोन ब्लास्ट हो जाएगा। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो वन प्लस का यह जो फोन है यह एक बार ब्लास्ट हुआ है, पहले भी 2 बार ब्लास्ट हो चुका है। पहली बार जब ब्लास्ट हुआ उस समय तो दोस्तों वो रियल था, लेकिन दूसरी बार जब ब्लास्ट हुआ तो वहां पर कोई फोटो नहीं सेंड किया गया था जिसके वजह से लोगों को लगा कि ये फेक है। लेकिन इस बार ये जो ब्लास्ट हुआ है ये दोस्तों पूरी तरीके से रियल है। यहां पर दोस्तों आप देखते हैं इनके ट्वीट पे, तो यहां पर आपको फोन ब्लास्ट हुआ है उसका भी फोटो मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों इनके फोन का जो बिल होता है वो भी यहां पर दे दिए, IMEI नंबर भी यहां पर शो कर दिए, जिसकी वजह से लोगों को विश्वास बना रहे कि हाँ फोन आखिर ब्लास्ट हुआ है तो हुआ है। तो दोस्तों उसके बाद इनका फोन ब्लास्ट हो गया, उसके बाद ये ट्विटर पर ट्वीट कर दिए। उसके बाद वन प्लस की तरफ से इनके पास एक व्यक्ति आता है और वो बोलता है कि आप फोन मुझे दीजिए। उसके बाद कंपनी में जाएगा और वहां पर चेक होगा कि आखिर किस रीजन से आपका फोन ब्लास्ट हुआ है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को यह भी पता है कि जो पहली बार फोन ब्लास्ट हुआ था उसके बाद वो फोन कंपनी के पास गया और वहां पर वो लोग रीजन बता दिए कि इस रीजन से ब्लास्ट हुआ है। और दोस्तों वो जो ट्वीट किए थे उनका ट्वीट भी डिलीट हो गया, साथ ही साथ उनका अकाउंट भी ट्विटर का वो भी डिलीट हो गया। तो इसीलिए यह जो गौरव गुलाटी सर है यह फोन नहीं देना चाहते हैं कंपनी को, साथ ही साथ ये पुलिस में जाके शिकायत भी दर्ज करा दिया है और आगे मामला बढ़ता है तो ये यहाँ पर लीगल एक्शन भी लेंगे। तो इस बार वन प्लस का खटिया खड़ा हो गया है। इस बार जो सामना हुआ है एक वकील के साथ हुआ है और दोस्तों आप जानते हैं कि यह गौरव गुलाटी है कितना खतरनाक है, कैरी मिनाठी हो या वहाँ पर सलमान खान हो या शाहरुख खान हो, सभी के नींद उड़ा चुके हैं और इस बार वन प्लस का पंगा हुआ है। तो दोस्तों आप सभी लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आगे आप खरीदने जा रहे हैं वन प्लस का नॉर्ड 2 5G तो भैया अभी मत खरीदिए, जब तक इसका रीज़न पता नहीं चल जाता कि आखिर ये क्यों फ़ोन ब्लास्ट हो रहा है। एक बार नहीं हुआ है, 2-3 बार इसका मामला सामने आ गया। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास ये फ़ोन है पहले से ही आपके पास मौजूद है तो कृपया करके आप इसे ज़्यादा हीट मत कीजिए, जैसे कि फ़ोन को चार्ज में लगा के गेमिंग मत कीजिए। और दोस्तों सो रहे हैं रात में तो तकिया के नीचे फ़ोन को रख के सो मत जाइए, नहीं तो सुबह तक पता चलेगा कि फ़ोन आपका ब्लास्ट हो गया और आपका मुंडी भी नहीं रहेगा। तो भैया ज़िंदगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम सुरक्षित रहते हैं तो बहुत सारा फ़ोन हम खरीद पाएंगे, तो सुरक्षित रहना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सुरक्षित रहिएगा तभी आप मेरे वीडियो को देखिएगा तो मेरा भी कमाई होगा, तो सुरक्षित रखना मेरा भी फर्ज यहाँ पर बनता है। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कोड आपको मिल गया होगा, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मुझे ट्वीट कीजिए, मैं आपके वीडियो को अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा। अगर दोस्तों आप भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अपने वीडियो का लिंक डालवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद दोस्तों कमेंट कीजिएगा तो मैं आपके वीडियो का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दोस्तों आज भी डाल दिए हैं जो विनर है उनका यहाँ पर विनर दिखाई दे रहा है और दोस्तों इनके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो को देख लीजिए, जाके इनके वीडियो को देखिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस केस से
रिलेटेड या जो फ़ोन है इस केस से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आता है तो मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, विदेश के भी न्यूज़ चैनल इस खबर को कवर कर रहे हैं, तो दोस्तों मेरा भी फ़र्ज बनता है कि आप सभी लोगों को बताना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों बाय।